सुमन विधानसभा में तो मैं आपको कह सकती हूँ कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी और कमल ही खुलेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा वो नहीं है, क्योंकि ये तो एक जनसंपर्क का तरीका है और जनता के बीच में रहने का एक माध्यम है। ऐसी स्कीम बने जिसकी वजह से पानी की समस्या का परमानेंट सलूशन मिल सके। चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज, विधायक ने किया जनसंवाद। राजसमंद जिले के केलवा में अंबा माता मंदिर परिसर में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक संवाद किया। उन्होंने कई लोगों से बातचीत की और ख़ास तौर से जनता से जुड़ाव की यह पहल थी। उन्होंने 11 ग्राम पंचायतों के प्रताप मंडल का एक यहाँ सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता से भी संवाद किया, उनकी कुछ समस्याएं भी सुनी और उन समस्याओं के निस्तारण का भी भरोसा दिलाया। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह बाहरट के साथ ही कई भाजपा के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद ग्रामीण महिलाओं और युवतियों से भी विधायक मिली और उनके साथ सेल्फी व फोटो भी खिंचवाई। इससे पहले अंबामाता परिसर में विधायक ने कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है और फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है। विधायक ने कहा कि किस तरह से प्रदेश में गहलोत सरकार के कारनामों के वजह से आम जन परेशान हैं। विधायक माहेश्वरी ने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के जंगल राज को जड़ से उखाड़ने का आह्वान करते हुए घर घर संपर्क बढ़ाने का अनुरोध किया। विधानसभा के प्रत्येक बूथ से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए हमें अभी से जुट जाना है। आइए अब जानते हैं राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी क्या कुछ बोली। कार्यक्रम आज खेलों में क्या है, जन पब्लिक से आप जनसंवाद क्या, कोई प्रमुख समस्या है और क्या उनका निवारण किस तरह से करेंगे? देखिए, समस्या तो निरंतर रहती है, विकास जो है वो कभी भी रुकता नहीं है। कुछ ना कुछ पंचायत लेवल की समस्या, नाली की, वो सारी सोल्यूशन उसी वक्त, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत के तुरंत, लेकिन जितनी समस्याओं का कंटिन्यूस समाधान चल रहा है, मेरे विधायक कार्यालय से भी हम लोग कंटिन्यूसली उनको बोलते हैं। प्रमुख समस्या में डेफिनेटली अभी भी पानी की, जो अपने राजसमंद में एक है कि कुछ ऐसी स्कीम बने जिसकी वजह से पानी की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन मिल सके, जिसके अंदर हमारे जल जीवन मिशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि जल जीवन मिशन के द्वारा उन्होंने जो जाखम डैम की हमारे को स्कीम दी, जिसमें काफ़ी गाँव जो कि वंचित रह गए थे बागेरी से, वो सारे जुड़ चुके हैं और वो धरातल पर आने में मिनिमम आई थिंक 2 या 2.5 साल में हमारे धरातल पर आएगी। तो ऐसी जो स्कीम्स है उससे पानी की समस्या दूर होगी। बाकी रोड नाली सफाई ये तो रेगुलर के हमारे काम है और रेगुलरली चलते रहते, इसलिए इस जन सुनवाई में ज़्यादा समस्याएँ भी नहीं आई, क्योंकि कंटिन्यूसली हम टच में है सभी पंचायत। विधायक आपके द्वारा जो कार्यक्रम है, आप पब्लिक के वंचितों से संवाद कर रही है, तो आगे इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आगे क्यों क्या रहेगा? जी, विधायक आपके द्वार हर पंचायत लेवल पर था और विधायक जन संवाद अब पूरे मंडल के स्तर पर है। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरीका है, मे बी एक वर्ड है जिसके द्वारा हम हमारे जनता के पास जा सकें और जनता की समस्याओं को सुन सकें, जनता के सुख दुख बांट सकें। और हमेशा ये जनता कोई समस्या लेकर आए ऐसा भी नहीं होता है, कितनी बार हम उनके उनके साथ बैठकर उनके आयोजनों को भी हम इंजॉय करते हैं। तो ये तो एक जनसंपर्क का तरीका है और जनता के बीच में रहने का एक माध्यम। तो चुनाव को लेकर किस तरह लग रहा है पब्लिक का, आप गांवों में जा रहे हो जनसंवाद में किस तरह का पब्लिक का? राजसमंद विधानसभा में तो मैं आपको कह सकती हूँ कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी और कमल ही खुलेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा वो नहीं है, क्योंकि जिस राजसमंद विधानसभा के वॉरियर्स, और मैं वाकई में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वॉरियर्स ही बोलूँगी, क्योंकि उपचुनाव में जो परिस्थितियाँ थी वो किसी से छुटी नहीं थी और उसके बावजूद भी उन्होंने अगर कमल को खिलाया है यहाँ पे, तो आगे भी चुनाव में डेफिनेटली वही होने वाला है। परिवर्तन संकल्प यात्रा चालू है जो कि 2 दिन में राजसमंद में आ रही है और आप यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का जोश देख सकते हैं कि इसी केलवा बस स्टैंड पर हम लोग उसका स्वागत करेंगे और इतनी ही संख्या में हम उनका स्वागत। मंडल में कितनी पंचायतों के आज लोग थे? 11 पंचायत रहती है इस मंडल में और 11 पंचायत के सभी प्रतिनिधित्व आपको मिल जाएंगे। अगला कार्यक्रम कौन से मंडल का? अगला कार्यक्रम राणा राजसिंह मंडल का होगा और तारीख अब तय
तय करके हम बता देंगे, लेकिन विद इन अ वीक अब राणा राज सिंह मंडल में अपना कार्यक्रम रखेंगे। इसी माध्यम से बड़े आयोजन रखते हैं तो सबसे मिलना नहीं होता है, लेकिन मंडल वाइज अगर आयोजन रखते हैं तो 9 पंचायत के हर कार्यकर्ता से हम मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनकी जो भी बात है उसको सुन सकते हैं। संवाद में मुख्य रूप से अगर चुनाव की बात करें तो क्या फीडबैक मिल रहा है कार्यकर्ताओं से तो क्या फीडबैक है, कार्यकर्ता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, फीडबैक की जरूरत नहीं है। ये कार्यकर्ता हमारे राजसमंद के विधानसभा की, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फीडबैक की जरूरत ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।